आत्मा की खोज अनंत शक्ति आनंद और शांति ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जय माता की जय प्रसाद श्री गणेश श्री गणेश आय नमा तो प्रिय बंधुओं महाराज धृतराष्ट्र ने श्रीमान युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा कि हे युधिष्ठिर तुम परम ज्ञानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न हो मैं जानना चाहता हूँ कि महाभारत के युद्ध में जो जो वीर वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन्हें कौन कौन सी गति प्राप्त हुई है तब महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि तात्श्री सुनिए कि जो वीर एक दिन मरना है ऐसा विचार करके और मजबूरी में जिन्होंने युद्ध किया है उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई है और जो वीर नीति और धर्म पूर्वक लड़े हैं उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति हुई है और जो वीर बिना हथियार के हो गए निहत हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने दुश्मन के वार का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है और कई वीर ऐसे भी थे जो कि युद्ध भूमि से भाग रहे थे लेकिन दुश्मनों ने फिर भी उनका वध कर दिया तो ऐसे भागते हुए वीर जो मारे गए हैं उन्हें यक्ष लोक की प्राप्ति हुई है और जो वीर अन्य किसी दूसरे कारण से इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए हैं उनका जन्म कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग में होगा और जिन योद्धाओं ने भार यानी वजन ढोने वाले रसद पहुंचाने वाले और जो चारण तथा वैध इत्यादि हैं इनका वध किया है ऐसे योद्धा नरक को प्राप्त हुए हैं तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि युधिष्ठिर तुम मुझे बताओ कि यह सब दिव्य शक्तियाँ तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है तुम्हें कैसे मालूम हुआ है कि इन सब वीरों की यह गति हुई है तब धर्मराज कहने लगे कि तात सुनिए मुझे लोमस मुनि की कृपा से अनुस्मृति विद्या का ज्ञान है और दूसरी बात कि मैं योग बल के प्रभाव से भी यह सब कुछ जानता हूँ तो बंधुओं आज के लिए बस इतना ही शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए धन्यवाद जय माता की जय परशुराम जी की